दोस्तों पंजाब जॉब अपडेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के उत्ते तुहाडा सब का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के आप गल करांगे पी ट्रिपल एस बी बोर्ड वालों जूनियर ड्राफ्टमैन दी जो पोस्टा पहला विड्रॉल कर लिया गई सी उन्होंने पोस्टा का जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा तो जो है पा दिता गया है। इन्होंने पोस्टा के एलिजिबिलिटी रखी गई है वो उसके बारे जो है आप इस वीडियो गल करांगे। दोस्तों इस तो पहले असं तुहानू दस दिए कि ये जूनियर ड्राफ्टमैन का जो पहला नोटिफिकेशन पाया गया सीगा उसनू बो पी ट्रिपल एस बी बोर्ड वालों विदड्रॉल कर लिया गया सी। जिन्ना कैंडीडेट ने उन्होंने पोस्टा में अप्लाई किया हूँ ये फार्म जो है वो दोबारा तो फिल करना पवेगा, परंतु इस दे लिए फीस जो है वो पे नहीं करनी पवेगी। तुसी बाकी दी जानकारी जो है ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके उतों नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस दे बारे जो है वो पता कर सकते हो। दोस्तों हुण आपां गल करते हैं पी ट्रिपल एस बी डिपार्टमेंट वालों इन्हां पोस्टा के नवे नोटिफिकेशन बारे जो इन्होंने पोस्टा कढ़ियां हन। जेकर आप टोटल पोस्टों की गल करिए तो उन्होंने टोटल गिनती जो है 659 है, जिस दे विच दोस्तों जूनियर ड्राफ्टमैन पोस्टों के इन्होंने सिविल मकैनिकल आर्किटेक्चर दिया जो पोस्टा ने वो कढ़िया ने। जेकर आप गिनती की गल करिए इस जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल दिया 585 पोस्टा ने, जूनियर ड्राफ्टमैन मकैनिकल दिया टोटल 13 पोस्टा ने, जूनियर ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर दिया टोटल 61 पोस्टा जो ने इन्हों वालों कढ़िया गई ने। हुण जेकर आप इन्हां पोस्ट नूं अप्लाई करन दी गल करिए तां तुसीं मिति 7/7/2021 यानी कि 7 जुलाई 2021 तो इन्हां पोस्टां दा नोटिफिकेशन जो है पा दित्ता गया है। जिन्हां नूं पोस्टां नूं अप्लाई करन दी जो मिति है वो 8 जुलाई 2021 है। तुसीं 8 जुलाई तो बाद इन्हां पोस्टां नूं जो है ऑफिशियल वैबसाइट के उत्ते जाके अप्लाई कर सकते हो। अगे जेकर आप इन्हां पोस्ट नूं अप्लाई करन दी लास्ट डेट की गल करिए तां मिति 22 जुलाई 2021 यानी कि शाम को 5 बजे तक तुम इन्होंने पोस्टों जो है अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 26 जुलाई होगी। जेकर आप इन्होंने पोस्टों की एज लिमिट की गल करिए 18 साल तो लेकर 37 साल के कैंडीडेट जो ने इन पोस्टों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन बनती रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। अगे आप दोस्तों गल करते हैं इन की फीस स्ट्रक्चर बारे, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1000 रुपया होगी, SC BC EWS कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 250 होगी, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट के लिए जो फीस है वो 200 होगी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए टोटल फीस जो है वो 500 रुपया होगी। दोस्तों ये फीस जो है तुम ऑनलाइन पेमेंट राही यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग राही जो है फीस पे कर सकते हो। दोस्तों अगे असी हुण तुहानू सीधा ले चलते हैं इन्हां वल्लों पाए गए नोटिफिकेशन के उपर, जिस दे विच तुसी देख सकते हो कि इन्हां पोस्ट नूं अप्लाई करन दी डेट जो ने इत्थे दर्शाईयां गईयां हन अते इन्हां पोस्टां दी जो वख-वख वाइज़ जो पोस्टां निकलियां हन यानी कि सिविल मकैनिकल आर्किटेक्ट दे जो पोस्टां निकलियां उह इत्थे दिखाईयां गईयां हन। अगे आपां चलदे हां इन्हां दे कैटेगरी वाइज़ वंडियां गईयां पोस्टां दे सीधा नोटिफिकेशन दे उपर, जिथे तुसी देख सकते हो कि इन्हां ने अलग अलग कैटेगरीज वाइज़ जो पोस्टां ने वो इस दे विच जो है वो वंड रखियां ने, जिवें जनरल SC MB SCR & OBC कैटेगरी। ये सारी जानकारी जो है तुसी इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उस दे विचों ये आप सारी जानकारी जो पोस्टां वाइज है कैटेगरीज वाइज जो है तुसी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों हुण आपां चलते हैं इन्हां पोस्टां दे सीधा एलिजिबिलिटी दे क्राइटेरिया दे उपर। जेकर तुहानू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी जेकर आपां गल करिए तो जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल दी जो एलिजिबिलिटी है तुहाडे कोल 10वीं दे नाल नाल 2 साल का नैशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन यानी कि सिविल का जो ITI है वो तुहाडे कोल होनी चाहिए है। जेकर तुहाडे कोल ये कोर्स नहीं है तो 3 साल के डिप्लोमा यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रखने वाले कैंडीडेट भी इन्हां पोस्टों नूं जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गल करते हैं जूनियर ड्राफ्टमैन मकैनिकल दिया पोस्टों की एलिजिबिलिटी बारे, तुसी इसदी एलिजिबिलिटी दे विच तुसी 10वीं अते प्लस 2 साल का नैशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है ड्राफ्टमैन का मकैनिकल दे विच तुहाडी ITI जो है वो होनी चाहिए है, या फिर जेकर तुहाडे कोल 3 साल का मकैनिकल का डिप्लोमा है तां वी तुसी इन्हां पोस्टां नूं जो है अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस दे नाल ही जेकर आपां जूनियर ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर दी पोस्टां दी एलिजिबिलिटी दी गल करिए तां 3 साल का डिप्लोमा जो है तुहाडा आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का जो है वो होना चाहिए है, अते जेकर तुहाडे कोल डिप्लोमा नहीं है तो तुहाडे कोल आर्किटेक्चर की जो डिग्री है वो होनी चाहिए है। अते जेकर आपां ने इसके होर क्वालिफिकेशन की गल करिए तो तुहाडे कोल जेकर आर्किटेक्ट का 3 साल का डिप्लोमा है तो भी तुसीं इन्हां पोस्ट नूं अप्लाई कर सकते हो। इस दे अलावा तुहाडे कोल 3 मंथ का एक ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स जो है वो होंदा है
वो तुहाडा होना जरूरी है, ताही तुसी इन्हां पोस्टां नूं जो है अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों हुण जेकर आपां गल करिए इन्हां दे सिलेक्शन प्रोसैस दी, तां इन्हां पोस्टां दे लई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दा जो लिखती प्रीख्या जो है वो ली जानी है, जिस दे विच कि घट्टो घट्ट तुहाडे 40% नंबर जो ने वो पास दे लई जो तुहाडे ने वो होने चाहीदे हन। अगे दोस्तों इस दे नाल ही इन्हां ने लिखा है कि लिखती प्रीख्या विच पास उम्मीदवार अंक प्राप्त करने वाला 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों विचों ड्राइंग स्किल टेस्ट यानी कि ऑटोकैड लई बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की गिनती संबंधी फैसला बोर्ड वालों जो है लिया जाएगा। ये टेस्ट केवल क्वालीफाइंग नेचर का ही होगा। इस संबंधी हदायतें बोर्ड की वैबसाइट के विच बाद विच अपलोड कर दित्तियां जाएंगियां। अगे इन्होंने लिखा है कि योग उम्मीदवारों की चोण करने लई लिखती प्रीख्या विचों प्राप्त अंकों के आधार पर ही सांझी मैरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। दोस्तों हुण जेकर आपां इन्हां पोस्ट नूं अप्लाई करन दे प्रोसैस दी गल करिए, तां तुसीं इस दित्ते होए लिंक अप्लाई ऑनलाइन लिंक यानी कि क्लिकर ते क्लिक करके तुसीं इन्हां पोस्ट नूं जो है अप्लाई कर सकदे हो। असीं तुहानूं जो है करके दिखा दिंदे हां। इस लिंक ते क्लिक करन तों बाद तुसीं देख सकदे हो कि तुसीं पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दी ऑफिशियल वैबसाइट दे उत्ते जो है सिद्धा वग जांदे हो, ते उत्थे तुसीं जेकर जाण तों बाद तुसीं इस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दे उपर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने तो बाद तुहाडे सामने एक पेज जो खुल जाता है, तुसी इत्थे आ टिक इस टिक ते क्लिक करके जो है प्रोसीड टू क्लिक है टू प्रोसीड ते क्लिक कर देना है। क्लिक करने तो बाद तुसी देख सकते हो कि इत्थे तुहाडे तो पहला पूछा जाता है कि तुसी केड़ी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो, तुसी इस नूं सिलेक्ट करना है, लेना है। सिलेक्ट करने तो बाद तुसी इत्थे अपना नाम जो है वो फिल करना है, फिर तुसी इत्थे अपनी ईमेल आईडी जो है फिल करनी है, इत्थे तुसी अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, इत्थे जो पासवर्ड तुसी रखना है वो फिल करना है, अते उस तो बाद तुसी इत्थे आ कैप्चा जो इत्थे दिख रहा है वो फिल कर देना है, फिर आई एग्री ते क्लिक करके इत्थे रजिस्टर ते तुसी क्लिक कर देना है। इस तो बाद दोस्तों तुहानू एक ईमेल जा मैसेज आ जाएगा जिस विच तुहाडी लॉगिन आईडी ते पासवर्ड होवेगा, फिर बाद विच तुसी उस लॉगिन आईडी ते पासवर्ड तो अपना फॉर्म लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। दोस्तों जेकर वीडियो चंगी लगी हो तो प्लीज़ इसनों लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद दोस्तों।